अच्छा जी, जो आज का हमारा जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो देखेंगे, इसमें हम लोगों ने ऑटोकैड को ओपन कर लेते हैं। आज का हमारा लेक्चर 2 है। इसके अंदर जैसे लास्ट टाइम देखा था हमने, शीट जब ओपन करनी है तो उसमें दो सेटअप आते हैं, एडवांस और क्विक, और हमने लेना है क्विक सेटअप क्योंकि इसमें सारी सेटिंग्स वो खुद देता है। सिर्फ इसमें हमने यूनिट लेने हैं जिस यूनिट में हमने वर्किंग करनी है। अब मैं ले लेता हूँ इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग में वर्किंग करनी है 4 इंचज में। नेक्स्ट, और जिस शीट पर वर्किंग करनी है, मैंने इस शीट पर वर्किंग करनी है, तो मैं इस शीट का जो है ये साइज़ ले लेता हूँ अपने पास। इसका साइज़ मैं ले लेता हूँ जी 50 फीट। ये मैं रैंडम ले रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, अभी मैंने सिर्फ टूल बार की प्रैक्टिस करनी है। 50x50 फीट ले लिया और फिनिश, और उसके बाद मैं इसको जेड इंटर और ए इंटर कर देता हूँ। अब इससे मेरा क्या होगा, शीट एक्चुअल साइज़ में आ चुकी है। तो अब उसके बाद, अब ड्राइंग शीट को ओपन करने के बाद, ऑटोकैड को ओपन करने के बाद, आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें जो सबसे ऊपर वाला टूल बार है इसको हम बोलते हैं, जिसके ऊपर आपकी ड्राइंग जो भी ओपन करोगे उसका नेम आएगा। इस टाइम मैंने ड्राइंग ओपन की हुई है, इसका नाम DRW Drawing 1GR है। इसको टाइटल बार बोलते हैं, ये मेन्यू टूल बार, और ये दोनों टूल बार तो कॉमन है, हर सॉफ्टवेयर में होते हैं, जिसमें जैसे फाइल मेन्यू टूल बार में फाइल एडिट इंसर्ट फॉर्मेट इसके टूल होते हैं। उसके बाद जो इसका थर्ड वाला टूल है, जो ये वाला टूल है, इसको बोलते हैं जिसमें कट कॉपी फ्लॉपी ये प्रिंट प्लॉट प्रीव्यू कट कॉपी पेस्ट और ये जूम जूम प्रीव्यू वगैरह के विंडो के ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। बाकी इसमें जो ये वाले सारे टूल बार हैं, ये हम हमारे साथ आगे आगे जैसे हम वर्किंग करेंगे आते जाएंगे और कुछ हमको यूज़ करेंगे और ये जाते जाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो दो मेन टूल बार जो आपके अंदर 2D और 3D में दोनों यूज़ होंगे, उसमें दो टूल बार कॉमन आपके पास ये टूल बार्स हैं, सामने आपके नज़र आ रहे हैं, ड्रॉ टूल बार और ये मॉडिफाइड टूल बार। इन दो टूल बार्स ने आपके साथ एंड तक, जब तक आपकी 3D कंप्लीट नहीं हो जाती, ये साथ साथ चलते रहेंगे। बाकी भी इसमें बेशुमार टूल बार्स हैं, वो आएंगे फर्दर वक्त के साथ, आप यूज़ करोगे और वापस ख़त्म कर दोगे। लेकिन ये टूल बार ऐसे हैं जो आपके डेस्कटॉप पर, आपकी जो ड्राइंग एरियाज के लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर, जहाँ पर आपको फिजिबल लगे, आप उसको इसको सेट करके रख सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ये टूल बार आते हैं कहाँ से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन टूल बार को यहाँ पर ले आता हूँ और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से ये मैंने क्रॉस कर दिया, अब ये मेरे पास ड्राइंग के ऊपर मेरे पास ये टूल बार शो नहीं हो रहे, तो मैंने इनको निकालना है। तो उसका बहुत सिंपल हल है, आपने यहाँ पर किसी भी टूल बार के ऊपर जाके यहाँ पर राइट क्लिक किया और ये आपके पास एक प्रॉपर्टी लंबी सी विंडो ओपन हो गई है। इसमें आपके पास देखो यहाँ पे जो जो टूल बार ओपन है वो चेक किए हुए। अब मेरे पास ड्रॉ का टूल बार बाहर नहीं है तो वो अनचेक है, मैं इसको टिक कर देता हूँ तो ड्रॉ का टूल बार बाहर आ गया। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे लगा देता हूँ लेफ्ट साइड पे। इसी तरह मेरे पास मॉडिफाइड का टूल बार नहीं है तो मैं राइट क्लिक किया फिर दोबारा, और करने के बाद यहाँ पे आपने जो राइट क्लिक करना है, यहाँ पे किसी भी टूल बार के ऊपर, इसके ऊपर मैं कर लेता हूँ राइट क्लिक, के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाली विंडो ओपन होगी। ये ओपन किया, मेरे पास मॉडिफाइड टूल बार नहीं, ये मेरे पास मॉडिफाइड टूल बार है, इसको मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास बाहर आ गया। अब मेरे पास दो कॉमन टूल बार, ड्रॉ और मॉडिफाइड टूल बार आ चुके हैं। उसके बाद जो ये वाला एरिया होता है, इसको बोलते हैं हम ड्राइंग एरिया, जिसके अंदर हम अपनी ड्राइंग वगैरह को बनाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और उसके बाद ये मेरे पास जो है, इसको स्टेटस बार बोलते हैं, जैसे ये हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टेटस बार है, इसी तरह इसके अंदर टूल बार, इसके अंदर 3 टैब्स हैं। एक इसके अंदर ये लेआउट, लेआउट 2, मॉडल, इनको नॉर्मल या के प्लाट वगैरह या कोई प्रिंट वगैरह PDF में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपने वर्किंग करनी है तो आपको याद रखना चाहिए कि आपका देखना है कि ये आपका मॉडल पे ऑलवेज एक्टिव हो। उसके बाद जो ये नीचे वाली, जो ये वाली बार है, इसको हम बोलते हैं कमांड विंडो। कमांड विंडो क्या होती है, ऑटोकैड एक यूज एज फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, इसको कॉल किया जाता है, ऑटोकैड को कहते हैं यूज एज फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, कि ये अपने काम करने वाले की हेल्प करता है, बाकी सॉफ्टवेयर इस तरह के नहीं है। अब ये हेल्प कैसा करता है कि ये कमांड विंडो है मेरे पास नीचे, इस कमांड विंडो में आप जो भी कमांड यहाँ से किसी भी पैनल से लोगे, ये आपकी हेल्प करेगा, आपको बताएगा कि फर्दर नेक्स्ट क्या करना है। और वर्ड MS ऑफिस का, जो वर्ड का सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया होगा, जब आप ओपन करते हो तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाते हो, आप खुद अपनी मर्जी से लिखते हो, खुद बड़ा करते हो वर्ड को, खुद उसके फॉन्ट को चेंज करते हो, स्टाइल को, कुछ नहीं कह रहा। लेकिन इसमें ये फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, इसको ऑटोकैड को इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर ये टूल बार, जब भी हम कोई लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये टूल लिया है, तो ये साथ ही नीचे मैसेज देना शुरू कर देगा जी ये देखो स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, खुद कह रहा है कि आप कोई नेक्स्ट पॉइंट लगाओ, आपने अगर लाइन लगानी है, फिर उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट लगा लो, ये लाइन को यहाँ पे ख़त्म करना है तो ख़त्म कर दो। तो ये अपने काम करने वाले को मदद करता है कि आगे आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो ये कमांड विंडो में आप जो भी कमांड लोगे उसका जो मैसेज है वो नीचे आपको ये कमांड विंडो में देगा।
उसके बाद जो लास्ट पे ये मेरे पास जो जो ये वाले टैब कुछ नज़र आ रहे हैं आपको बटन, इनको हम इनको स्टेट उनको कमांड बार भी कहते हैं और कमांड विंडो ऑप्शन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, इसको टैब बार भी बोल सकते हैं, अब डिफरेंट के नेम हैं। तो इसके अंदर तीन कुछ ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस का साथ साथ हम देखेंगे जैसे जैसे हम ड्राइंग करेंगे। इसमें दो ऑप्शंस कॉमन यूज़ होते हैं, एक आर्थो और एक आर्थो के साथ एक आपके ओ स्नैप है, ये दो कॉमन यूज़ होते हैं, बाकी भी साथ साथ हैं लेकिन ये दो मेन हैं। तो इन दोनों को टूल बार्स को भी हम आगे देखेंगे चल के। तो ये हमारे जो ऑटो कैड का सारा इंटरफेस का जो ये था कि ये ऑटो कैड का इंटरफेस क्या होता है, उसके अंदर टूल बार कौन कौन से होते हैं जो हमारे साथ चलने आगे यूज़ होने ज़्यादा, और ये सारा उसका इंटरफेस की जो डिटेल है। तो ये थी, अब हम इसके अंदर ड्रॉ टूल बार से शुरू करते हैं। पहले ड्रॉ टूल बार, जैसे ड्रॉ से जाहिर है ये वाला ड्रॉ टूल बार है, ड्रॉ टूल बार जैसे नाम से जाहिर है कोई भी चीज़ स्केच करना ड्रॉ करना, तो इसके अंदर इस तरह के टूल हो सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। लाइन का हो गया, कंस्ट्रक्शन लाइन, पॉली लाइन, पॉलीगॉन, इस तरह मतलब कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए है इसमें, कि आपने कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है तो आपको ड्रॉ टूल बार से लेना पड़ेगा। और अगर आपने कोई भी चीज़ मॉडिफाई करनी है, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ में एडिटिंग करनी है, चेंज करनी है, रेज करनी है, तो ये मॉडिफाई टूल बार में ये आपके सामने होगा। ये मॉडिफाई को हम साइड पर ले थे अपने पास, ये मेरे पास मॉडिफाई टूल बार ये देखो लिखा हुआ है। जैसे अब रेज का टूल आ गया, कॉपी करनी है, मिरर करना है, ऑफसेट लेना है, ये मिरर के मतलब मॉडिफाई मॉडिफिकेशन करना है ना अगर आपने किसी भी चीज़ में, तो आपको उसके लिए मॉडिफाई का टूल यूज़ करना पड़ेगा। और ये मेरे पास ड्रॉ टूल है, ड्रॉ टूल के अंदर से हम सबसे पहले शुरू करते हैं लाइन की कमांड को लेकर। लाइन की कमांड की शॉर्टकट की एल है, आप एल सिंपल लिखकर एंटर करो तब भी आपके पास, ये मैं एल लिख के ये मैंने नीचे एल लिखा है और कीबोर्ड से एंटर किया तो लाइन की कमांड मेरे पास एक्टिव हो गई है। तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। सेकेंड आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर जाकर क्लिक करो कमांड के ऊपर, तो फिर भी आपके पास लाइन की कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब लाइन की कमांड जैसे ही मैंने ली है तो ये मुझे साथ ही कमांड बार में ऑप्शन देने लग गया है फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, कहाँ से आपने लाइन शुरू करनी है। मैं लाइन का ड्राइंग के किसी भी जगह पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये साथ ही मैसेज दे रहा है मुझे नेक्स्ट पॉइंट अपनी ड्राइंग अपनी लाइन का। आपने कहीं पर नेक्स्ट पॉइंट लगाना है तो नेक्स्ट पॉइंट लगा लो, वरना अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो ख़त्म कर दो। ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल स्केप प्रेस कर दो कि वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो लाइन क्यों नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, क्योंकि हमने इसका नेक्स्ट पॉइंट नहीं लगाया था। अब दोबारा मैं कमांड लेता हूँ लाइन की फर्स्ट पॉइंट, अभी कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, मैं नेक्स्ट पॉइंट लगाया। अब मैं स्केप का बटन प्रेस अगर करूँगा तो ये मेरे पास डिलीट हो गई है, लाइन लग चुकी है, क्योंकि मैंने इसको सेकंड पॉइंट दिया था तो इसलिए लाइन की कमांड लग चुकी है। दोबारा मैं लाइन की कमांड लेता हूँ, क्लिक किया। अब आपको दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि लाइन क्लिक करने के बाद लाइन हर डायरेक्शन के अंदर घूम रही है। अगर मैं इसको लाइन को किसी भी जगह पे लगाता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो ये लाइन हर डायरेक्शन में 360 पर किसी भी डायगोनल डायरेक्शन में हर चीज़ में घूम रही है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ मैंने स्ट्रेट लाइंस लगानी है, तो मैंने उसके लिए आपको कहा था ये टैब बार में हमारे पास कुछ टैब है उनको हम यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो बटन है आर्थो, आर्थो की शॉर्टकट की F8 है, या सिंपल आप F8 करके भी कर सकते हो, या सिंपल इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप भी ये करोगे। जैसे ही देखो मैंने आर्थो को क्लिक किया तो लाइन आपके स्ट्रेट लाइन होने लग गई है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल हो गई, लाइन किसी भी डायरेक्शन में नहीं घूम रही। आर्थो का ये मकसद है कि आपकी लाइन सीधी डायगन आपकी लाइन जो है सीधी स्ट्रेट जाती है, किसी भी डायगनल डायरेक्शन में वो मूव नहीं करती। अगर मैं आर्थो को ऑफ करता हूँ सिंपल, तो देखो लाइन साथ ही मेरी घूमने लग गई किसी भी डायरेक्शन में। अगर मैं दोबारा एक्टिव करता हूँ तो लाइन साथ ही स्ट्रेट हो, जिस जगह पर वहाँ से स्ट्रेट हो जाएगी लाइन। ये आर्थो का आपके सामने फंक्शन है। दोबारा देख लेते हैं, आर्थो को ऑफ है मैंने किया हुआ, क्लिक किया लाइन की कमांड में, क्लिक किया, अब ये लाइन मेरी घूम रही है। अगर मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगे तो मैंने आर्थो के ऊपर क्लिक किया, लाइन मेरी स्ट्रेट हो गई। ये आर्थो का ये फंक्शन है, सिंपल आपकी हर लाइन को स्ट्रेट किसी भी डायरेक्शन में लगाने के लिए होता है। आर्थो ऑफ करो अगर लाइन 360 पर किसी भी डायगोनल डायरेक्शन में आप लगा सकते हो। तो ये था मेरे पास फर्स्ट टूल लाइन का। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन है, जो कंस्ट्रक्शन लाइन का जो टूल है इसको हम यूज़ करते हैं मोस्टली प्रोजेक्शन खींचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लाइन की टूल लेता हूँ, लाइन की टूल लेके मैंने ये एक चीज़ ऐसे करके मैं ये बनाता हूँ, ये मैं एक चीज़ बना ली, मैंने बॉक्स सा बना लिया। अब प्रोजेक्शन खाने के लिए मैं चाह रहा हूँ मैंने इसके कोनों से प्रोजेक्शन खाने हैं, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन लाइन यूज़ होती है प्रोजेक्शन खींचने के लिए। मैं इसको क्लिक किया कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर,
करने के बाद मैं इसके वो मुझसे नीचे पूछ रहे हैं आपने प्रोजेक्शन वर्टिकल हॉरिजेंटल लेने हैं, वर्टिकल लेने हैं, किसी एंगल पर लेने हैं, या ऑफसेट लेने हैं, बाइसेक्टर। तो मोस्टली इसमें हम दो यूज़ करते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्रोजेक्शन। अगर आप घर का कोई फ्रंट व्यू एलिवेशन बना रहे हो तो आपने इसका वर्टिकल एलिवेशन, या आपने उसका प्लान बनाया हो तो उसके नीचे आपने उसका एलिवेशन बनाना, तो इसी हदूद में बनाने के लिए, डायरेक्शन में बनाने के लिए आप एलिवेशन लोगे। तो मैं इसके लिए कहता हूँ मैंने वर्टिकल लेने हैं, तो वर्टिकल के लिए वी लिखकर एंटर किया, साथ ही लाइन्स आने लग जाएंगी। अच्छा जी, अब मैंने जैसे मैंने ये इसको लिया प्रोजेक्शन लाइन को, मैंने साथ ही वी प्रेस किया, तो ये मेरे पास वर्टिकल प्रोजेक्शन उसने देने लग गए। या आप इसके वर्टिकल प्रोजेक्शन लगा सकते हो। अगर मैंने हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन लगाने, दोबारा मैं कंस्ट्रक्शन लाइन ली, उसके लिए एच लिखकर एंटर किया, ये देखो मैंने क्लिक करता रह रहा हूँ कहीं पर भी, यहाँ पर क्लिक किया तो ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन देर है। इसको आप डेल करना चाहो, किसी को भी डेल कर सकते हो। तो ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है ये मोस्टली तौर पर प्रोजेक्शन लेने के लिए होती है। उसके बाद जो अगली लाइन है, अगली लाइन मेरे पास है, बड़ी ट्रिकी कमांड है, इसका नाम है पॉली लाइन। अब पॉली लाइन क्या करती है, पॉली लाइन और सिंपल लाइन, पॉली लाइन क्या होती है, किसी लाइन किसी चीज़ के ऊपर आपने बाउंड्री लगानी है। अगर ये लाइन ये चीज़ बनी है, इसके ऊपर मैं बाउंड्री फेरना चाह रहा हूँ, तो मैंने पॉली लाइन को क्लिक किया, स्टार्ट लेता जा रहा हूँ, उसको क्लिक करता जा रहा हूँ, इसको क्लिक किया, कॉर्नर्स पर क्लिक करता जा रहा हूँ, इसको एंड पर क्लिक कर देता हूँ, एंटर कर दिया। अब ये देखो पॉली लाइन हो गई है, इसको मैं उतार के ऊपर से जरा साइड पे ले आता हूँ, तो ये मेरे पास पॉली लाइन बन चुकी है। अब पॉली लाइन और आर्म लाइन का क्या मकसद होता है, पॉली लाइन आर्म लाइन से मैं एक चीज़ बनाता हूँ। मैंने एक लाइन ली, इससे मैं ये कोई भी एक सिंपल सी एक चीज़ ऐसे ये बनाता हूँ। अब आप इसकी हर लाइन पर अगर क्लिक करते हो तो आप देखते हो कि इसकी हर लाइन सेपरेट इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रही है, अलहदा अलहदा सेलेक्ट हो रही है। किसी भी लाइन पर क्लिक करो, कहीं पर भी क्लिक करो, तो हर लाइन अलहदा अलहदा सेलेक्ट हो रही है। सेम चीज़ अगर मैं पॉली लाइन से बनाता हूँ, पॉली लाइन की शॉर्टकट की PL है, मैं इससे लेकर सेम चीज़ ये बनाता हूँ, इसी तरह किसी भी रफली हम बना रहे हैं ऐसे करके, ये चीज़ ये। अब देखो अब मैं पॉली लाइन के किसी भी जगह पर क्लिक करूँगा तो वो एक यूनिट यकजान एक यूनिट सेलेक्ट होगी, सिलेक्शन होगी। ये देखो मैं किसी भी जगह पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो एक यूनिट है, और जबकि मैं सिंपल लाइन के अगर किसी भी जगह पे क्लिक करता हूँ तो वो सारी लाइन जितनी भी लाइंस लगी हैं वो इंडिविजुअल सेपरेट सिलेक्शन हो रही है उसकी हर लाइन की। देखो ये इसको सिलेक्ट किया तो ये हो गई, अगर मैं इसके किसी भी जगह क्लिक करता हूँ तो ये देखो सारी लाइन सेलेक्ट हो रही है, और अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसकी सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट हुई है। तो पॉली लाइन और आम लाइन में ये डिफरेंस है कि पॉली लाइन से आप जो चीज़ बनाते जाओगे वो इकट्ठी एक बाउंड्री होगी। कोई भी चीज़ लेकर अगर पॉली लाइन से शुरू करते हो, ऐसे अगर शुरू करते हो, इसके गिर्द घुमाते जाओ, कहीं पे भी ये जाके आप ख़त्म कर लो, लेकिन वो यूनिट एक यूनिट है। तो अगर आप सिंपल, अगर आपने जबकि सिंपल लाइन जो है वो सिंपल लाइन से जो भी चीज़ बनाओगे वो एक एक, अगर जहाँ से आप लाइन ख़त्म कर दोगे, अगर मैंने लाइन ली सिलेक्ट किया फिर शुरू की फिर आगे की, तो ये तीन लाइन है, 1 2 3, ये तीन लाइनें हैं। तो पॉली लाइन और आम लाइन का ये डिफरेंस है कि ये पॉली लाइन होती है बाउंड्री फेरने के लिए होती है, और आम लाइन होती है सिंपल दो पॉइंट के दरमियान से डिस्टेंस होता है। अब अगर आपने इन चीज़ों को ख़त्म करना है तो उसके लिए आप इनको, विंडोज़ होती हैं दो विंडोज़, एक विंडो होती है ऐसे लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ग्रीन विंडो, और एक इससे क्या होता है ग्रीन विंडो से जो चीज़ इसके नीचे आनी है वो सारी सिलेक्शन हो जानी है, और इस तरह एक विंडो होती है जो ये लाइट ब्लू से कलर की है, इससे क्या होगा सिंपल जो चीज़ आपने कुछ हिस्से को लेना सिलेक्शन करनी है। देखो मैंने इस हिस्से को ऊपर भी गई है, लेकिन वो जिस जिस पॉइंट के अंदर से गई है सिर्फ उसको उसने सिलेक्शन की है। तो आपने इसको अगर डेल करना है तो इसको सारे को सिलेक्ट करो और इसको डेल कर दो। तो ये थी मेरे पास लाइन की कमांड, कंस्ट्रक्शन लाइन और ये पॉली लाइन थी। तो उसके बाद अगली जो मेरे पास टूल है वो अगली टूल है मेरे पास है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की जो टूल है, पॉलीगॉन की टूल को मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये नंबर आ रहा है। पॉलीगॉन का आपको पता है ज्योमेट्री की ऐसी शेप जिसकी 5 4 से ज़्यादा साइड्स हों तो उसको पॉलीगॉन, दिस इज दैट कॉल पॉलीगॉन। तो अगर पॉलीगॉन के अंदर आप क्या करना है, आपने सिंपल क्लिक किया वहाँ सब्जेक्ट को, यहाँ से पूछ रहा है आपके पास एंटर नंबर ऑफ साइड कितनी, पॉलीगॉन की आपने साइड कितनी, मैं कहता हूँ पेंटागॉन बनानी है तो उसकी 5 साइड्स होती हैं, 5 लिख कर एंटर किया, और उसके बाद वो कह रहा है सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, आपने कहाँ पे क्लिक करनी, किसी जगह क्लिक करो जहाँ पे बनानी, मैं कहता हूँ यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद वो दो चीज़ें पूछ रहा है, इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब सर्कल। जो पॉलीगॉन का आपने सर्कल का जो पॉलीगॉन के अंदर जो सर्कल लगना है, पॉलीगॉन सर्कल के अंदर लगे या बाहर लगे, तो मैं कहता हूँ इंस्क्राइब्ड इनसाइड होना चाहिए सर्कल, तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये कह रहा है ठीक है, अब आपने जो सर्कल दिया इंस्क्राइब उसका रेडियस दो, मैं इसको रेडियस दे देता हूँ जी 4 फीट, 4 फीट एंटर। तो ये देखो ये मेरे पास पॉलीगॉन जो है वो इंस्क्राइब सर्कल वाली पॉलीगॉन लग चुकी है। अब इसका बाद जो दूसरी पॉलीगॉन है सर्कमस्क्राइब, हम वो देखते हैं। मैं दोबारा क्लिक किया इसके ऊपर एंटर साइड, पॉलीगॉन साइड मेरे पास 5 है एंटर।
अब इसमें कह रहा है स्पेसिफाई फोलिफाई एज, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे इंस्क्राइब है सर्कमस्क्राइब, तो मैंने सर्कमस्क्राइब लगानी है, क्लिक किया। अब वो कह रहा है जो उसका रेडियस है वो, मैं कहता हूँ जी वो भी 4 फीट, 4 फीट, एंटर। तो ये मेरे पास जो है वो पॉलीगॉन सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब वाली बनी है। अब इसमें आप देखो, इसमें आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि इंस्क्राइब वाली स्मॉल बनी है और सर्कमस्क्राइब वाली। इसमें क्या है, जो इसमें कह रहा है अगर आप इसके अंदर इंस्क्राइब में सर्कल लगाते हो तो उसका इन साइड जो रेडियस है वो 4 फीट होगा, जबकि सर्कमस्क्राइब में ये कह रहा है कि जो आप इसके इर्द गिर्द सर्कल लगाओगे वो इसके बाहर वाला जो सर्कल लगेगा उसका रेडियस 4 फीट होगा। इंस्क्राइब में इनसाइड पे सर्कल लगना है और सर्कमस्क्राइब में आपके बाहर वाली साइड पे सर्कल लगेगा, तो उसका 4 फीट रेडियस होगा। तो ये थी हमारी आज की, जो हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ड्रॉ टूल बार, ड्रॉ के अंदर टूल बार सारा इंटरफेस देखा, और उसके अंदर लाइन टूल बार और कंस्ट्रक्शन लाइन चेक की, और उसके बाद पॉली लाइन देखी, और उसके बाद पॉलीगॉन को हमने लगाना देखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 3 के अंदर हम बाकी इसके ड्रॉ के टूल बार्स को देखेंगे, और कुछ टूल बार्स हम मॉडिफाइड टूल बार के अंदर से भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, और आगे इनको अपने साथ फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो। तो आगे इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो उसके अंदर आपको इसका फर्दर, इसकी आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे।